हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ दिव्या शर्मा। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सर्दियों में बच्चों की स्किन का ध्यान कैसे रखा जाए, बॉडी वॉश किस तरीके से करना है, कौन सी चीज़ को यूज़ करना है, मसाज ऑयल कौन सा होना चाहिए, क्रीम या लोशन कौन सा यूज़ करना है, यानी टोटल केयर कैसे करनी है बच्चे की। क्योंकि सर्दियों के दिनों में बच्चों की स्किन बहुत ड्राई हो जाती है या फिर रैशेज हो जाते हैं, इसीलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना आपको बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ मसाज ऑयल बच्चे की स्किन पर कौन सा यूज़ करना है ताकि बच्चे की स्किन ड्राई या रैशेज वाली नहीं हो। तो आप सर्दियों के दिनों में ऑलिव ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, देसी घी का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे को ज़्यादा सर्दी लगती है तो आप सरसों के तेल में लहसुन और अजवाइन को डालकर गर्म कर लीजिए, इस ऑयल से बच्चे की मसाज कर सकते हैं। इसके अलावा चौथा तेल है वो है बादाम रोगन। बादाम हेयर ऑयल का यूज़ नहीं करना आपने, क्योंकि इसमें बहुत सारे केमिकल्स डाले होते हैं। आपने बादाम रोगन का यूज़ बच्चे की मसाज में कर सकते हैं। ये चार हो गए ऑयल। इसके अलावा जो कोकोनट ऑयल होता है उसकी मसाज आपने सर्दियों में नहीं करनी, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। नेक्स्ट है, आपने बच्चे को वॉश किस चीज़ से करना है। तो आप बेसन ले लीजिए 2 चम्मच, उसके अंदर आप 1 चम्मच शहद मिक्स कर लीजिए, इसके अंदर आप दूध डाल दीजिए। इस पेस्ट से ही आप अपने बच्चे को नहलाइए। ऐसा नहलाने के बाद आपने 2 दिन अपने बच्चे को इसी चीज़ से नहला दिया, 3रे दिन आपने अपने बच्चे पर सोप यूज़ करनी है, तो उसमें केमिकल कम से कम डाले हों उसका यूज़ कीजिए। फिर अगले 2 दिन आप इसी उपटन का यूज़ अपने बच्चे की बाथ में कीजिए। नेक्स्ट है, आपने बच्चे पर लोशन कौन सा लगाना है ताकि बच्चे की स्किन ड्राई नहीं हो, तो हमेशा ही बोरो प्लस का यूज़ कीजिए। बहुत नेचुरल चीज़ है और बहुत लंबे टाइम से गुड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं इसके। इसके अलावा नेक्स्ट है, आपके बच्चे के अगर होंठ फट जाते हैं तो होंठों पर अगर बच्चा ब्रेस्ट फीड ले रहा है तो आप ब्रेस्ट मिल्क लगा दीजिए बच्चे के होंठों पर। इसके अलावा आप देसी घी का यूज़ भी कर सकते हैं। ये बहुत ही खास इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो अपने कमेंट्स के थ्रू ज़रूर पूछिए, कि हर एक सवाल का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।